कराची में कोरोना बेकाबू हो गया। तमाम अजला में स्मार्ट और माइक्रो लॉकडाउन का फैसला। जनूबी, शर्की, वस्ती और गर्बी में स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। कोरंगी और मलीर में माइक्रो लॉकडाउन होगा। माइक्रो लॉकडाउन में गलियां और मोहल्ले सील होंगे। नोटिफिकेशन जल्द जारी हो जाएगा। पंजाब में शादी हॉल्स में तकरीबात पर पाबंदी आई। खुले मैदान में शादी तकरीबात की इजाजत होगी। खुली जगह पर भी एसओपीज पर मुकम्मल अमल करना होगा। 300 से ज्यादा मेहमान नहीं बुलाए जा सकेंगे। कराची में शादी हॉल्स को तकरीबात करने की मशरूत इजाजत मिल गई। कोरोना ने तालीमी इदारों में पंजे गाड़ लिए। सूबाई हुकूमतें अब तक सरमा की छुट्टियों का फैसला न कर सकें। इस्लामाबाद के मजीद 7 इदारों में कोरोना केसेस रिपोर्ट। मुतासरा तालीमी इदारे सील करने का हुक्म। गुजरांवाला के कॉलेज में मजीद 7 केसेस सामने आ गए। कोरोना की अलगार, पाकिस्तानी फ्लू वैक्सीन से भी महरूम। रवां साल बाहर से वैक्सीन ना मंगवाई गई। बच्चों और बुजुर्गों को हिफाजती वैक्सीन ना लगवाई जा सकी। डिवीजन हट दर्मी पर कायम है। उनको अवाम की सेहत की, अवाम की हिफाजत की कोई परवाह नहीं है। कोरोना की सूरत हाल बहुत संगीन हो गई है। ये जलसे जो है वो खतरनाक हो सकते हैं। इस तनाजुर में अपोजिशन अभी भी अपनी हट दर्मी पर कायम है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास तमाम कानूनी ऑप्शन खुले हैं जिसके तहत कार्रवाई होगी। अपोजिशन इत्तेहाद जलसे के लिए तैयार। पेशावर इंतजामिया का इनकार। केपी में तमाम बड़े इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी गयी। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। कामरान बंगश का अपोजिशन को पैगाम। जलसा तो होगा, पीडीएम का ऐलान। 22 नवंबर को दमादम मस्त कलंदर होगा। फैसल करीम कुंडी की ललकार। एमल वली बोले, जलसे की इजाजत ना देना हुकूमत की चाल है। खुदा करे अपोजिशन जल्द मुजाकरात की तरफ आए। शेख रशीद दुआएं करने लगे। कहते हैं इमरान खान सबसे बात करने को तैयार हैं। सियासी लोग बात नहीं करते तो सियासत का जनाजा निकलता है। ऐसे डायलॉग की क्या हैसियत जिसमें हुकूमत ना हो। जनरल बाजवा ने कहा है, जिसकी हुकूमत होगी उसके साथ होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जॉर्जिया में फिर शिकस्त। जॉर्जिया में वोटों की दोबारा गिनती में भी जो बाइडेन जीत गए। नताइज से पहले ट्रंप का डेमोक्रेटिक पार्टी पर धांधली का इल्जाम। कराची में साइबेरियन हवाओं का राज। 23 से 25 नवंबर तक बूंदाबांदी की पेशगोई। बाला इलाकों में कड़ाके की सर्दी। लेह का पारा -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कालाम में -9 और कल्लात में -7 रिकॉर्ड। मरी 1, इस्लामाबाद 4 और लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 9 रिकॉर्ड किया गया। कप्तान बाबर आजम मिशन न्यूजीलैंड के लिए तैयार। कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई ग्रुप बंदी नहीं। नया चैलेंज और जिम्मेदारी मिली है। सरफराज अहमद और अजहर अली से बहुत कुछ सीखा। न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। आज उर्दू के दो बड़े शोरा को याद करने का दिन। फैज अहमद फैज को बिछड़े 36 बरस हो गए। फैज की शायरी का फैज आज भी जारी। अहमद नदीम कासमी भी भूले नहीं भुलाए जा सकते। शायर, अफसाना नवीस और अदीब अहमद नदीम कासमी का यौम पैदाइश।